जय माता दी। राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी जो है शाम का टाइम है, 7:20 हो गए हैं। और ये देखिए, आज भी मौसम और कल भी मौसम खराब बताया है। आज का मौसम तो आप लोगों ने देखा, 30 मार्च रात का, सुबह का मतलब 4 बजे का। और अभी हम नई वीडियो का आगाज कर रहे हैं। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना ये लाइट्स। और हमने यहाँ पे लाइट नहीं जलाई है, पता है क्यों? क्योंकि आज हम सिर्फ इन्वर्टर की लाइट पे और यहाँ पे टिके हैं। तो आज हम जो इन्वर्टर की लाइट पे रह रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ लंबा ही नुक्स पड़ गया है और उस वजह से जो है लाइट नहीं जलानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे हो रही है, मैं आपको फिर बाहर लिख के चलती हूँ, यहाँ पे हो रही है तैयारी मटर कैसे फेंके हुए भरते की। तो ये मैंने चूल्हे के ऊपर इनको भून लिया है। ये देखो छिलका निकालेंगे बाहर, बाहर का दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अभी। बस ये छिलका उतर जाएगा जब ये ठंडा हो जाएगा, है ना? ये देखो। और अभी यहाँ पे और भी भून रहे हैं बैंगन, हमारे 4 बैंगन थे। और घर में किसी को भी अच्छे नहीं लगते, सिर्फ और सिर्फ मुझे अच्छे लगते हैं बैंगन खाने, इनको किसी को भी पसंद नहीं है। बोलते खिचड़ी बनानी थी, मैंने कहा नहीं मैं तो बैंगन ही बनाऊंगी क्योंकि तो मुझे पसंद है। ठीक है। हां जी, जय माता दी। जय माता दी। राम राम। राम राम जी। खाने बैंगन? और जी खाने बैंगन का, पर वैसे खाते नहीं, इनको पसंद नहीं है। पर होता है, अपने अपने पसंद होती है, उसमें क्या है। पर पता है कभी 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 ना ऐसा हो जाता है कि थोड़ा अलग जैसा टेस्ट हो जाता है। तो ये मैंने लेके करे, 50 रुपए किलो है हमारे यहाँ पे, मैंने आपको बताया था। और अभी मैंने वीडियो लगाई है अपलोडिंग को, तो बहुत देर लगती है, कई बार नेटवर्क नहीं होता यहाँ पे। दूसरे चैनल के लिए मैंने वीडियो लगा रखी है जिसमें आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा तबाही हो गई थी आज, इतना ज्यादा भयंकर तूफान था रात को। यहाँ पे ना ये वाला जो फोड़ू है, तो ऐसा है हमारे आज बिजली नहीं है, लाइट नहीं है। जो लाइट है ये सिर्फ इन्वर्टर की लाइट है और हम जला के भी नहीं कर रहे। देखो कितनी बड़ी हो गई यहाँ पे, ये वाली दिक्कत है ना। पिंपल नहीं है, पिंपल तो ये यहाँ पे हो गया कुछ। इसमें दर्द वगैरह कुछ नहीं है, पर आंख भी लाल है आज मेरी एक। तो बैंगन का भरता और चपाती बनाएंगे, ठीक है? और भूख भी लगी आज सबको, दिन को ऐसे ही खाना मतलब उस तरह का नहीं बनाया ढंग का ना, क्योंकि मैं पूरा दिन सो रही थी, मैं नहीं उठी। और धुआं लगता है, जब हवा लगती है तो धुआं पीछे हटता है, इस वजह से मैं आग नहीं जलाती। मैं टमाटर भी भून लूंगी, प्याज भी भून लूंगी चूल्हे में, लहसुन भी भूनूंगी, उसके बाद फिर आपसे मिलूंगी, ठीक है? बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है भरते का, आग के ऊपर भुने गए कुछ ज्यादा ही टेस्ट होते हैं। चलिए अभी बारी है टमाटरों की। ये तो हो गए, वाह कितने गंदे लग रहे हैं, पर छिलका निकाल दिए हम। तो अभी बारी है टमाटरों की, जिनको कि मैं अंगारों के ऊपर ये कर रही हूँ। अंगारे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और जैसे ये देखो और फिर हम चूल्हे के ऊपर इसका तड़का लगा देंगे, ठीक है? ये देखो सही हो गया, 4 टमाटर बथेरे हैं मेरे ख्याल में, है ना? मेरे ख्याल में तो काफी है। आजकल मैं पीती हूँ तांबे के जग में पानी, जो कि मैंने यहाँ साथ में रखा हुआ है। जब भी मेरे को प्यास लगती है मैं इसका ही पानी पीती हूँ, इसका ही पानी पीती हूँ जब भी मेरे को प्यास लगती है। तो चलो जितने को हमारे टमाटर भूनेंगे ना, उतने को धीरे धीरे से इसके इनको ये करेंगे ना, नहीं तो ये फट सकते हैं वहीं पे। आज तो आग अच्छी लग रही है क्योंकि आज ठंड है बाहर, पर धुआं बस सारा पीछे को हटता है। कहीं दूर चले जाऊं, इस तरह से हम निकालेंगे इसके छिलके। हमें अपने आप ही बंद हो रहा है कैमरा आज, तो इस तरह से हम निकालेंगे इसके छिलके, ठीक है?
अब इसको क्या दिक्कत होगी, कैमरा बार बार बंद हो रहा है। मैं बस एक दो के दिखाऊंगी आपको, यहाँ से निकाल के छिलके इस तरह से हम इसके, और कई लोग क्या करते हैं ना कि इसके बीच में डाल देते हैं वो लहसुन और हरी मिर्च है ना, और के पकड़ो, मैं ये पकड़ा है, पांच छाटू बीज दे भाव लेने, तीन चार बीजू, ये देखो, और उधर हमारे टमाटर भी देखने पड़ेंगे बीच बीच में, आ गया प्याज, और ये प्याज भी आ गया, और भट्टा भी आ गया, सही हो गया जी। अभी हम प्याज को भी रख देते हैं इस तरह से, प्याज को रखो तराजू में, बीज छिलकों समेत रखेंगे इसको भी, बाद में इसको ये कर लेंगे, ये लो, और एक और रख देते हैं यहाँ जैसे, ठीक हो गया जी। चलिए अब इसका निकाल लेती हूँ मैं छिलका इस तरह से, और फिर ये वाला पोर्शन बचेगा सिर्फ अंदर वाला, सही हो गया। काड़क ग्रसियाई के, ठीक है, एक एक करके मैं सारे निकाल लेती हूँ। इधर प्याज भी हमारा भूनने लग गया एकदम से, अभी हम ऐसे नहीं इनको रखेंगे, अभी देखना आप कैसे करेंगे इनका काम तमाम। तो तीन प्याज काफी हैं, टमाटर थोड़े छोटे थे इसलिए मैंने चार ले लिए, ये देखो, इसको थोड़ा आगे जैसे रख देते, धुआं ऐसा लगता है ना कि पूछो मत। ये जी अभी ये देखो, ये मैंने सारा मसाला मैश कर दिया है, मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने हाथों से किया है, गंदा लगता है फिर वीडियो में हाथों से दिखाते हुए, फिर मैंने हाथों से इसको ऐसे ऐसे से किया, बता दिया ना मैंने आप लोगों को, देखो सच में कितना सच बोलती हूँ। तो इसमें हरी मिर्चें, लहसुन की कलियां, टमाटर, प्याज, सारा जो मैंने यहाँ कोयले के ऊपर किया ना वो सारा ऐसे ऐसे मैश करके, अभी इसको तड़का देने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं इसमें तड़का लगा देती हूँ और चूल्हे के ऊपर इसको बना देते हैं, और अपने जो फेवरेट है हमारे खड़े मसाले वो तो डालेंगे ही डालेंगे भाई, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं धनिया और थोड़ा सा जीरा, ये देखो तो, और ये मैंने कुछ लहसुन की गुंदिया बोलते हैं लहसुन को, ये इसमें डाल दिए जो कि मैंने थोड़ी थोड़ी फूंक भी दी थी है ना, और इसमें कुछ नहीं डालेगा, बस डालेगा तो नमक और हल्दी, ठीक है, नमक बाद में डाल लूंगी, ये देखो, और अभी इसमें डालूंगी मैं अपना बर्तन, ये देखिए अब हम इसमें ये डाल देंगे, ठीक है, और इतना सा ही तड़का, वैसे अगर तड़का ना हमें देते ना इसमें हम ये डाल देते नमक, तो ये भरता बहुत ज्यादा हल्दी हो जाता है। चलिए ये बन गया जी भरता, अभी मैं चपाती लगा लेती हूँ, अभी आप देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, तो खाते हुए मुझे बताया था किसने कि आप थाली लगाते हैं तो प्लीज जरूर दिखाया करो, तो अभी थाली जब लगाएंगे खाएंगे, और अब गर्मी लगने लगी, अब आग ज्यादा जल गई ना, तो मैं चपाती लगा लेती हूँ फटाफट से, और भरता तो वाकई में बहुत टेस्टी बना। तो चलिए अभी मैं रोटी भी बना रही हूँ और साथ साथ में इनको दे भी देती हूँ, फिर खुद मैं लास्ट में खाऊंगी। तो ये देखो थोड़ी थोड़ी सी सब्जी डालूंगी मैं, ज्यादा नहीं दूंगी, ये बहुत सब्जी खाते हैं हमारे घर में, ठीक है। और इसमें इधर आ जाओ, ये देखो इतनी, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे सलाद बना दिया है, और ये देखो खीरा लिया था मैंने कल जैसे, ऊपर दस थाले बस, ये देखो है ना बढ़िया बना हुआ है। चलो बाकी टेस्ट करके इनको पूछती हूँ कि कैसा बना, चलो चक। चलिए अभी मैं भी खा लेती हूँ खाना, मैंने भी लगा ली है थाली, और
बहुत टेस्टी था ऐसा बोल रहे थे सभी ही, बहुत अच्छा बना है। शायद नमक थोड़ा सा ज्यादा रह गया हो कहीं कहीं पे, पर बहुत टेस्टी बना हुआ है। ये देखो, मैंने काली मिर्च और नमक डाल दिया है खीरों के ऊपर। तो चलिए, ये हमारी आज की स्पेशल थाली, खा लेते हैं खाना। राग भी बस बूझी गई है, धुआं लगा हुआ पीछे, उड़ता है सारा धुआं। तो हम खा लेते हैं खाना, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।